जैसे विद्युत ने अपने मन के थॉट्स पोएम के थ्रू बताए, वैसे ही मैं भी स्कूल के लास्ट डे को लेकर मेरे मन में जितने भी थॉट्स है वो सब मैं पोएम के थ्रू बताऊंगा। काश मैं फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बन जाऊं, फिर से स्कूल में आऊं, पढ़ाई करूं, फिर से नए दोस्त बनाऊं, फिर से झगड़ा करूं, फिर से टीचर की डांट खाऊं, फिर थोड़ा रूठ जाऊं, फिर जट से मान जाऊं, फिर से एग्जाम में लास्ट आऊं और फिर फर्स्ट आकर दिखाऊं, फिर से लास्ट बेंच पे बैठ के शरारत करूं, शरारत करते हुए पकड़ा जाऊं और फिर क्लास के बाद मुर्गा बन जाऊं, फिर से खुश हो जाऊं, फिर से रो लूं, फिर से स्कूल की टंकी का पानी पी। इमोशनल फूल। काश काश मैं ये स्कूल लाइफ एक बार फिर जी पाऊं। अरे स्कूल लाइफ इतनी केयरफ्री क्यों होती थी? क्यों? क्योंकि हम जितने भी दोस्त होते थे ना स्कूल के, उनकी और हमारी जिंदगी ना लगभग सेम थी। मुश्किलें सेम थी, खुशियां सेम थी, सवाल सेम थे, जवाब सेम थे, यू नो। पढ़ाई से डर था, खेल से प्यार था। उस सवाल से याद आया, एक दोस्त ने पूछा था कि यार ये मैथ इतना मुश्किल क्यों है, तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया क्योंकि मुश्किल है इसलिए। अलग अलग तरह का टिफिन शेयर करना, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनना, एक जैसा रूटीन फॉलो करना, सब कुछ कितना एक जैसा था, है ना? मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसे, सब कितने अपने लगते थे। नहीं, अभी सब कुछ अलग अलग हो गया है ना, सब अपने अपने कोश में है, सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपना अपना संघर्ष, अपनी अपनी मुश्किलें, अकेले गिरना, अकेले उठना, साथ वाला फील अब नहीं रहा। हर चीज में कंपटीशन आ गई, ईर्ष्या आ गई है। मतलब सामने वाले की खुशी देखकर अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है। स्कूल में एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन बड़े होते होते वही अप्रिसिएशन कंपैरिजन में बदल जाती है। स्कूल में कंपटीशन कितना हेल्दी होता है, पर आगे जाके हम उसी कंपटीशन में मारा मारी घुसा देते हैं। स्कूल में लाइफ बिजी होने के बावजूद इजी होती है, लेकिन बड़े होते होते हम उसी लाइफ को कितना मुश्किल कर देते हैं। सीरियसली उस वक्त ग्राउंड पर रेस होती थी, अब जिंदगी के ट्रेडमिल पर हम रेस लगाते हैं और अंत में खुद को वहीं खड़ा पाते। सही बोला। वहां हार कर भी जीतते थे, यहां जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस करते। लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, सबको बुली करता हूँ, पता नहीं मुझे कब अकल आएगी कि कॉलेज के बाद भी मेरी अकल भैंस चर नहीं जाएगी। चुप। मैं देख लूंगा उस 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को जिसने मेरा नाम का ये फिश पॉन्ड बनाया ना, देख लूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। मेरा नाम हैप्पीनेस है, लेकिन अक्सर टेंस रहती हूँ, दिल में जो बात है वो मुंह पे कहती हूँ। खुशी है,
अच्छी बात को अप्रिशिएट करती हूँ, गलत बात नहीं सहती हूँ। बताओ कौन? खुशी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपनी मम्मी की साड़ी में प्रिंसेस लग रही हूँ, समझ नहीं आ रहा साड़ी मेरी वजह से सुंदर लग रही है या मैं साड़ी की वजह से सुंदर लग रही हूँ। एनी गेसेस? रुचिता। यस रुचिता दीदी। ये साड़ी मेरी वजह से नहीं, मेरी मॉम की साड़ी की वजह से मैं अच्छी लग रही हूँ। पुराने जमाने का एंटिक कोट पहन के खुद को समझ रहा हूँ हीरो। लेकिन जिस तरह कुछ लोग देख के हंस रहे हैं, लगता है कि मैं हूँ जीरो। अथर्वा, अथर्वा। ओ भाई अथर्व, जाना रिस्पॉन्ड ले जा। ये वाला फिश पॉन्ड भी से पुराने जमाने का कोट पहनकर क्यों आया? क्यों मैंने खुद को लाफिंग मैटर बनाया? क्यों किया मैंने ऐसा? ये अब तक मुझे भी समझ नहीं आया। भैया, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यस सर। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अथर्व ने ऐसा क्यों किया। आज अथर्व अपने डैड का पुराना कोट पहनकर आया है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने डैड के इमोशंस की कदर करता है। बहुत यादें जुड़ी होंगी उसकी डैड की उस कोच से। अथर्व उसकी कदर करता है। बहुत अरमान से उसके डैड ने ये कोट पता नहीं कितने सालों से संभाल के रखा होगा कि जब मेरा बेटा 10th के फेयरवेल में जाएगा तो ये कोट पहनकर जाएगा। और आज जब फाइनली अथर्व अपने घर से निकला होगा ना, तो उसके डैड पक्का रोए होंगे। जैसे मेरे डैड मुझे मॉम की साड़ी में देखकर रोए। मेरी मॉम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मेरे डैड आज मुझे मॉम की साड़ी में देखकर रो पड़े और कहते कि रुचिता तू कब इतनी बड़ी हो गई ना, पता ही नहीं चला। आज तू अपना स्कूल छोड़कर जा रही है, कल अपने पापा का घर छोड़ के चली जाएगी। फिर मैंने अपने पापा को कहा कि ना ही मैं अपना स्कूल छोड़कर जाऊंगी और ना ही मेरे पापा को।
क्योंकि मैं जहां पर भी जाऊंगी ना, अपने स्कूल को और अपने पापा को हमेशा अपने दिल में रखूंगी, हमेशा। और अथर्व, ये सिर्फ तुम्हारे डैड का कोट नहीं है, ये उनका प्यार और ब्लेसिंग्स है। और आजकल के जमाने में ना, ऐसे बहुत कम लड़के देखने को मिलते हैं जो अच्छे स्टाइलिश फैशनेबल कपड़ों को छोड़ के अपने डैड के ब्लेसिंग्स और प्यार से भरे हुए कोट को पहनना पसंद करेंगे। एंड बिलीव मी अथर्व, तुम इस कोट में बहुत अच्छे लग रहे हो। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं ना, तुम उन सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहे हो। Yes, Atharva, you look great in your dad's coat. बहुत अच्छे लग रहे हो आप अतर्व भैया। Yes, yes, Atharva, तू बहुत अच्छा दिख रहे हैं। Yes, bro, सच में बहुत अच्छा लग रहे हैं। बोलो अथर्व। Thank you, daddy. Love you. क्या क्या बोल क्या क्या बोला तुमने? I'm sorry. I'm really really sorry. एक मिनट, क्या बात हुई? आपका ये कोट ना बहुत पसंद आया लोगों को। वो वाव! अरे मैंने बोला था ना, है ना, कि सबको पसंद आएगा कोट और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। मिले कॉम्प्लीमेंट्स? हाँ मिले, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले डैडी। क्या बात, आपके इस कोट की वजह से। नहीं नहीं, अभी मेरा कोट नहीं है, आज से तुम्हारा कोट है। हाँ। और जब तुम्हारा बेटा 10th की फेयरवेल के लिए जाएगा ना, तब ये कोट उसका होगा। तो मतलब रुचिता की बेटी जब उसकी साड़ी पहनेगी तो वो साड़ी उसकी हो जाएगी? मतलब? कुछ नहीं, वो मैं आपको घर पे आके समझाता हूँ। अभी के लिए आप इतना समझो कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। अच्छा, ओहो। लेकिन सुबह तो कह रहे थे कि यू आर द वर्स्ट डैड और अ बेस्ट डैड। वर्स्ट? नहीं, मैंने बेस्ट डैडी ही बोला था। आपने गलत सुना, मैंने बेस्ट बोला था, बेस्ट। ये तुम्हारा खेल बचपन से चल रहा है। कभी वर्स्ट डैडी, कभी बेस्ट डैडी। बस ये खेल हम बाप बेटे के बीच में यूं ही चलता रहे। डैडी, आज फेयरवेल मेरा है, तो इमोशनल होने की बारी मेरी है, आपकी नहीं। और आज मैं ऑलरेडी कई बार इमोशनल हो चुका हूँ। अभी तो और भी इमोशनल होना बाकी है, क्योंकि फेयरवेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ? अथर्व भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गाना कौन गाएगा? कौन सा गाना किड्डू? वही गाना जो 99% फेयरवेल में गाया जाता है, फेयरवेल का सबसे बेस्ट गाना। बाय डैडी, लव यू। बाय बाय बाय, जाओ। लव यू टू बेटा। चल। टडा! अथर्व महाराज अपने फेयरवेल में फाइनली रोए और सुना है कि खूब रोए। खूब रोए? अरे फूट फूट के रोए, जार जार रोए। और रोने की खुशी में इसीलिए ये लाया हूँ। ठीक है, ये वो शर्त। ओ, शर्त जीतने की खुशी में है ये, लेकिन देखो तो सही। ओके ओके, होल्ड दिस। ओ वाओ, ओ माय गॉड, अथर्व की फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की सारी यूनिफॉर्म्स का कोलाज। यस, दिस इज सो क्यूट। एंड मैं? अच्छा तुम भी। अरे सखी पकड़। ये वाला बेस्ट है, है ना? इतना छोटा सा क्यूट सा था। यस। और अब देखो, घोड़ा हो गया, घोड़ा। ये हम सारी तैयारी हो गई ना? यस सर। वेरी गुड तिवारी, 1 2 3 नाइस। वाह,
अच्छा भाई साहब, ये सरप्राइज पार्टी किस खुशी में है? वो तो पता नहीं, लेकिन दक्षेश भैया ने सबको इनवाइट किया है। हाँ, क्या बात है? हाँ भाई, सेम टू सेम। ओ राजेश भाई, वो झालर को जाके पूछ लेते ना, चलो ना। अरे बिजी है देखो कितने। ओ दक्कू भाई, ओ दक्कू भाई, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एक मिनट, ये सुस्वागतम और ये सरप्राइज पार्टी किस खुशी में? आप लोग गैस कीजिए। अच्छा, गैस भी करना पड़ेगा, क्या है? टेल टेल, बोलो बोलो। एक मिनट, ये तूने गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया है, मतलब तेरी एनिवर्सरी है। नो 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 नो। क्या मेरी भाभी को किसी टेलीविजन सीरियल में हीरोइन का रोल मिला है? तो मेरी यामिनी भाभी के कटआउट चाहिए थे यहाँ पे। काश वन्ना बहन, काश आपकी बात सच निकलती। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा, पर मुझे आपको भी यही बोलना पड़ेगा कि नो 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 नो। मैं बताती हूँ, किट्टू का बर्थडे है। किट्टू का? लेकिन पता है हैप्पी बर्थडे। नो 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 आपका ये नो 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 प्लीज रोकिए और कारण बताइए, वरना हम सब गो 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 गो। रुकिए 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 रुकिए, बताता हूँ। दरअसल ये सरप्राइज पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर रहा है। तू मंगलवार ये पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट का परसों पुराना अटका हुआ एक केस मैंने जीत लिया है। खत्म पार्टी। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मेरे द्वारा दी गई सरप्राइज पार्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजेश भाई, क्या बात है, ये आपको हार पहना है क्या? वाह, अरे आप कहाँ झुक रहे हैं? पकड़िए और मुझे पहनाइए। चलिए फटाफट पहनाइए पहनाइए। क्या बात है इस सम्मान के लिए। और अब आप सब के लिए भोजन तैयार है। क्या बात, शुरू करो दीवारी। यस सर, शुरू करो। वाह वाह, थैंक यू दक्कू भाई। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। चलो अरे बाप रे, ये मच्छर कहाँ से आए? दक्कू, अरे क्या है, तूने पार्टी में मच्छर को भी बुलाया क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है जो पार्टी केस हार गई ना, उन्होंने भेजे मच्छर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.